हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है मेंसुरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है हमने। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ पैरेलल प्लेन टू द बेस। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन कट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन इज 1/27 द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, देन एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड। फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। एक कोन बनाते हैं जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर की दी हुई है। ठीक है, देखिए द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है। फिर कह रहा है अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ, ऊपर से एक कोन काट लिया गया है पैरेलल टू द बेस, बिल्कुल इसको अलग कर दिया है काट के। अब कह रहा है कि जिस कोन को कट किया गया है उसका वॉल्यूम पूरे गिवन कोन से 1/27 है। तो बताइए नीचे से कितनी ऊंचाई पर इस कट को लगाया गया है। जरा देखिए ध्यान से, आप जरा मैं क्या करता हूं क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, ऊपर वाले कोन का हाइट छोटा है मान लिया, बड़े वाले कोन का हाइट 30 दिया हुआ है जिसको मैं जल्दी बड़ा एच मान लेता हूँ। छोटे कोन का रेडियस छोटा और बड़े कोन का रेडियस बड़ा, ये चीज मैंने फिगर में नोट कर दिया, आपको अलग से लिखनी भी होंगी। ठीक है, तो लिखना कैसे है आपको कि रेडियस ऑफ स्मॉल कोन छोटा सेंटीमीटर डालना है, सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन कैपिटल आर सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्मॉल कोन एच सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बिगर कोन 30 सेंटीमीटर जो कि बड़ा एच मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज लिखने के बाद फिगर एक्सप्लेन करने के बाद, कि वॉल्यूम ऑफ अपर कोन जिसको काटा गया है इज 1/27 वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ अपर कोन का मतलब 1/3π छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, ठीक है, इज इक्वल टू 1/27 1/3π बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच। अब देखिए 1/3π कैसे लाओ, अब क्या क्या वैल्यू गिवन है उसे डाल लेते हैं। ये तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ बड़े एच की वैल्यू गिवन है मुझे, तो उसको मैंने लिख दिया 30। ठीक है, अब ओके ये भी कट जाएगा, 3/9 = 3/9 = 27, 3×10 = 30। तो एक रिलेशन मेरे पास आ रहा है कि आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 10r² / 9। इसको थोड़ा देख लिए छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 मान के। अब चलिए आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई को सिमिलर प्रूफ करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ए ए क्राइटेरिया, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल आपस में बराबर है तो वो ट्राइंगल अपने आप सिमिलर कहलाता है, सिमिलर टू ए डी ई बाय ए ए क्राइटेरिया। तो आप लिख सकते हो छोटे ट्राइंगल का आर अपॉन बड़े ट्राइंगल का आर, छोटे ट्राइंगल का एच अपॉन बड़े ट्राइंगल का एच। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो जरा वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसमें, तो r अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन 30। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से छोटे h का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगा देखिए 30r अपॉन कैपिटल r इज इक्वल टू स्मॉल h। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहां से छोटे r का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, वो क्या आएगा देखिए h कैपिटल r अपॉन 30, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करता हूँ। क्वेश्चन 1 में डालते हैं इसे, तो ये कितना है देखिए, तो एच आर अपॉन 30 का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल एच 10 आर स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, ओके, अभी कितना आया, एच स्क्वायर आर स्क्वायर एच अपॉन 30 × 30 10 × r² 9,
अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा है देखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10 × 30 × 30/9, ये दोनों 30 उधर चले गए, तो एच क्यूब बराबर 1000, तो एच बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या आ गया है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस, नीचे से कितनी ऊंचाई पर सेक्शन बनाया गया है। तो देखिए ये हाइट आपने अभी निकाला है 10 सेंटीमीटर, आपको सेक्शन तो नीचे से बताना है, तो आपको तो बीडी का वैल्यू निकालना है, तो फाइनल आंसर बीडी इज इक्वल टू 30 − h 30 − 10, तो आंसर इज द सेक्शन हैज बीन मेड 20 सेंटीमीटर अबव द बेस। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।